ये है पृथ्वी। इस गहरे अंधेरे अंतरिक्ष में हम इंसानों का एकमात्र घर। पर क्या आपको पता है कि अर्थ की एक डार्क साइड भी है? मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो जरा इस इमेज को देखिए। ये है हमारी पृथ्वी की वो तस्वीर जिसे हम सबसे ज्यादा इंटरनेट पर देखते हैं। इस इमेज में हम अर्थ के लगभग सभी बड़े कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, जहां 70% से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है और जिसमें से एक इंडियन कॉन्टिनेंट पर आप और हम भी रहते हैं। पर मेरे दोस्त, ये है अर्थ की दूसरी साइड। अब यहाँ कुछ फर्क दिखा? हाँ, यहाँ कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ बस समुद्र है जिसे पैसिफिक ओशियन नाम दिया गया है। और ये कोई ऐसा वैसा समुद्र नहीं है, बल्कि अर्थ पर मौजूद सबसे बड़ा समुद्र है, जो हमारे पृथ्वी के टोटल एरिया का 30% होल्ड करता है और जिसका टोटल एरिया 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो अर्थ के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के टोटल एरिया से भी काफी ज्यादा है। साथ ही ये हमारे फ्यूचर होम यानी कि प्लैनेट मार्स के टोटल एरिया 144.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब देखो, मुझे पता है कि ये बात काफी हैरान कर देता है कि अर्थ पर मौजूद इतने बड़े ओशियन में कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद ही नहीं है। पर आखिर क्यों? आखिर पृथ्वी का सबसे बड़ा समुद्र इतना खाली क्यों है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप जिसे आपने अपने लाइफ में कई बार देखा होगा। पर क्या आपने कभी गौर किया कि वर्ल्ड मैप पर दिखने वाले ये सभी कॉन्टिनेंट किसी पजल पीसेस की तरह लगते हैं? अच्छा रुको और देखो कि ये आपस में किस तरह बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज से 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर ये सभी कॉन्टिनेंट केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया हुआ करता था, जिसका टोटल एरिया करीब 200 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था और जिसके चारों ओर पैंथलेसा नाम का एक ग्लोबल ओशन फैला हुआ था। पर आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण पैंजिया टूटकर बिखरने लगा। और ये बात याद रखना, क्योंकि पैसिफिक ओशियन की इस एम्प्टीनेस के पीछे इस फैक्ट का सबसे बड़ा रोल है। तो देखो, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट की एग्जिस्टेंस और टेक्टोनिक प्लेट्स की इस तरह से मूवमेंट के बारे में हमें सबसे पहले साल 1912 में जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था, जिन्होंने उस समय इससे जुड़ी अपनी एक काफी फेमस थियोरी भी दी थी, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम दिया गया। अब इस थियोरी का कहना है कि अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट्स टाइम टू टाइम ब्रेक एंड असेंबल होते रहते हैं और इस तरह हर कुछ करोड़ साल बाद अर्थ की जियोलॉजिकल अपीयरेंस बदल जाती है। और देखो, चूंकि ये सब अर्थ के फॉर्मेशन यानी कि आज से 4.5 अरब साल पहले से ही चल रहा है, इसीलिए वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के मुताबिक आज तक अर्थ इस तरह से 3 बार कॉन्टिनेंट्स के ब्रेक और असेंबल पीरियड से होकर गुजर चुकी है और ये प्रोसेस इसी तरह लगातार आगे चलता भी रहेगा। पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कॉन्टिनेंट्स इस तरह से अपने आप मूव कैसे करते हैं? तो देखो, इसका जवाब भी हमें अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में मिल जाता है, जिसके मुताबिक कॉन्टिनेंट्स के इस तरह टाइम टू टाइम टूटने और जुड़ने के पीछे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, जिसे अर्थ के कोर और मेंटल लेयर में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली हीट से एनर्जी मिलती है। अब देखो, अर्थ के इंटीरियर से इस हीट का बाहर आना और उससे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होना कुछ इसी तरह की फेनोमेना है जैसे हमारी धरती लगातार सांस ले रही है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स का इस तरह से एक दूसरे के करीब आने और अलग अलग होने के दौरान ये डिफरेंट तरीके से इंटरैक्ट करती है, जिसे मोस्टली 2 टाइप में डिफाइन किया गया है। जैसे अगर 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है, जिस प्रोसेस के दौरान लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे से दूर होने के कारण अर्थ के उस हिस्से में एक नई ओशियानिक क्रस्ट क्रिएट होती रहती है। अब इसी प्रोसेस के जरिए 200 मिलियन ईयर्स पहले पांजिया के इकलौते ओशियानिक पैंथलेसा से आज इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन फॉर्म हुए थे। अब रिसेंटली पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी 2 हिस्सों में टूट रहा है और वहां उनके बीच भी एक नया ओशियन फॉर्म हो रहा है। A massive crack in the ground. The ocean could be created as Africa gradually splits into 2 separate parts in the future.
अब ये तो हो गया पहला तरीका। इसके अलावा जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है तो उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री नाम दिया गया है, जिस प्रोसेस के दौरान बड़ी संख्या में माउंटेन रिजेस की फॉर्मेशन होती है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन हमें अर्थ की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन, जिसने हिमालय माउंटेन रेंजेस का फॉर्म किया था, जो टक्कर आज भी लगातार चलती ही जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय की ऊंचाई हर साल अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की बात की है, इसे इंडियन कॉन्टिनेंट से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एक्चुअल में इंडियन कॉन्टिनेंट से भी 2 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, पर इसका आधे से ज्यादा हिस्सा इंडियन ओशन में वाटर लेवल से काफी ज्यादा नीचे है। टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर हमें मोस्टली ओशन वाटर के अंदर ही देखने को मिलती है, और अर्थ के ओशन में एक ऐसा रीजन भी है जहां ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से आकर टकराती है, और यही ओशन है अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, जहां पर पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी टेक्टोनिक प्लेट्स और उनके ऊपर मौजूद कॉन्टिनेंट्स लगातार पैसिफिक ओशियन में मौजूद पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट से कोलाइड करती रहती है। और इसी लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से पैसिफिक ओशियन के चारों ओर एक बैरियर की तरह दिखने वाली माउंटेन एंड वॉल्केनिक रिजेस फॉर्म हुई है, जिसे हम द रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं, जिसे आप ग्लोबल मैप पर देख भी सकते हो, जो देखने में पैसिफिक ओशियन के चारों ओर फैली एक बारीक सी पट्टी की तरह दिखती है, लेकिन असल में ये पट्टी शेप्ड बेल्ट रीजन 40,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है, जो पैसिफिक ओशियन को चारों ओर से कवर करता है। और देखो, इसके गेम ऑफ थ्रोन के किसी सीक्वल के जैसे रिंग्स ऑफ फायर नाम के पीछे का कारण यह है कि ये रीजन अर्थ पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल माना जाता है, जहां पर कई टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में कोलिजन के चलते अर्थ पर 75% वोल्केनिक एक्टिविटी इसी रिंग्स ऑफ फायर में देखने को मिलती है। अब देखो, इतना ही नहीं बल्कि अर्थ पर आने वाले 90% अर्थक्वेक भी इसी बारीक सी पट्टी पर ही देखने को मिलती है। अब दोस्तों, जापान भी इस रिंग्स ऑफ फायर पर बने आइलैंड पर ही मौजूद है, जिसके कारण जापान में हमेशा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी का खतरा बना रहता है। अब आपके पास जवाब है कि आखिर क्यों जापान में वर्ल्ड के 10% वॉल्केनो इरप्शन और साल के अराउंड 1,500 अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, पैसिफिक ओशन में बड़े कॉन्टिनेंट्स के ना मौजूद होने में रिंग्स ऑफ फायर का भी बहुत बड़ा रोल है। अब चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर और जानते हैं कि आखिर अरबों सालों तक टेक्टोनिक प्लेट्स का फ्री मूवमेंट होने के बावजूद भी आज पैसिफिक ओशन इतना खाली क्यों है। तो अभी हमने जाना कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट टाइम टू टाइम ब्रेक एंड कोलाइड करती रहती है और कैसे इनके कोलिजन और सेपरेशन ने नए माउंटेन रेंजेस और न्यू ओशियंस को फॉर्म किया है। तो देखो, अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो वैज्ञानिकों के पास पैसिफिक ओशन में बिग कॉन्टिनेंट की एम्प्टीनेस को एक्सप्लेन करने के 2 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1, द रिंग्स ऑफ फायर, बैरियर प्रिवेंटिंग बिग कॉन्टिनेंट्स एंट्री टू द पैसिफिक ओशन। तो दोस्तों, एक बार इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, जिससे आप पैसिफिक ओशन को सराउंड करने वाले रिंग्स ऑफ फायर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे रिंग्स ऑफ फायर का ये रीजन एक तरह का बैरियर बनकर दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स को पैसिफिक ओशन में एंटर करने से रोक रहा है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार इस मैप को भी देख लीजिए, जहां पर सभी ओशियन वाटर को हटाकर केवल हम टेक्टोनिक प्लेट्स को देख सकते हैं। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि कैसे जिस पैसिफिक ओशियन को हम सबसे खाली इलाका मानते हैं ना, वहां पर पृथ्वी की सबसे बड़ी ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है, जिसे वैज्ञानिकों ने पैसिफिक टेक्टोनिक नाम दिया है, जो अराउंड 103 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। अब कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि ये टेक्टोनिक प्लेट पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को मिलाकर बनने वाली टोटल 4.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी ऑलमोस्ट 20 गुना बड़ा है और हमारे चांद के टोटल एरिया से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है। पर क्योंकि पैसिफिक प्लेट पूरी तरह पानी में सबमर्ज्ड है, इसीलिए आप इस टेक्टोनिक प्लेट को साधारण आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन जहां ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के दूसरे कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट से जाकर टकराती है, वो रीजन्स हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर टकराव से कई ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस और एज आई सेड
वॉल्केनोस की फॉर्मेशन हुई है, और हाँ इसी के साथ रिंग्स ऑफ फायर की भी, जो अर्थ पर मौजूद कई टेक्टोनिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट के कोलिजन को हम इंसानों के लिए विजिबल बनाती है, जिसे आप नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन, साउथ अमेरिकन, कैरिबियन, अंटार्कटिक एंड ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स पर बनी रिंग ऑफ फायर की माउंटेन रेंजेस में भी देख सकते हैं, जिससे यहाँ पर कई स्मॉल आइलैंड्स भी फॉर्म हुए हैं, जिन पर आज कई फेमस कंट्रीज जैसे जापान और इंडोनेशिया मौजूद है, जहाँ पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट लो डेंसिटी के कारण धीरे धीरे दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो क्योंकि पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट और अदर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही है, जिससे पैसिफिक प्लेट और अदर टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच कई सबडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन जोन्स भी क्रिएट हुई है, और इसी कारण पैसिफिक ओशन और दूसरे ओशन के बीच एक बैरियर क्रिएट होता है, जिसके कारण इन सभी कॉन्टिनेंट्स की पैसिफिक ओशन की ओर मूवमेंट स्लो हो जाती है। लेकिन ये रुक नहीं रही है, बल्कि ये कोलिजन लगातार चल ही रही है, और वैज्ञानिकों की माने तो आज से कई करोड़ साल बाद ये सभी कॉन्टिनेंट्स दोबारा से एक साथ आकर मिल जाएंगे, जिससे फ्यूचर में दोबारा एक पांजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म होगा, जिसे पांजिया प्रॉक्सिमा कहा गया है। वैसे देखो, हम इंसान भी बहुत तगड़े चीजें हैं, हम फ्यूचर के नामों को भी अभी डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मिल्कोमेडा, पांजिया प्रॉक्सिमा। तो इसके लिए कई लोग कमेंट करते हैं कि यार उस टाइम के लोग क्या नाम रखेंगे, आपको कैसे पता? तो इसका रीजन बस यही है कि वैज्ञानिक इसका नाम पहले से ही सोच कर रखते हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। अब देखो, यहीं से हमें एक सेकंड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि आखिर क्यों पैसिफिक ओशन में कोई भी कॉन्टिनेंट्स फॉर्म ही नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर हम टाइम को थोड़ा रिवाइंड करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करीब 200 मिलियन साल पहले जब पांजिया सुपर कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट के चलते ब्रेक होकर बिखरने लगा था ना, तब भी इसी पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट ने टाइम टू टाइम इन सभी दूसरे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स और इन पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स को एक सही डायरेक्शन देकर आज के वर्ल्ड मैप को डिजाइन किया है। अब आप इन पिक्चर्स में देख ही रहे होंगे कि कैसे ये इकलौती पैसिफिक प्लेट इन सभी कॉन्टिनेंट वाली टेक्टोनिक प्लेट्स को पैसिफिक ओशन में एंटर करने से रोक रही है, और क्योंकि ये खुद ओशियन वाटर से काफी ज्यादा नीचे है, इसीलिए ना तो ये किसी कॉन्टिनेंट को पैसिफिक के अंदर आने देती है, और ना ही यहां पर और कोई दूसरा आइलैंड कॉन्टिनेंट फॉर्म हो पाया है। मेरा मतलब है कि बड़ा कॉन्टिनेंट। पर देखो, बड़े आइलैंड का ना होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई जमीन मौजूद ही नहीं है, बल्कि पैसिफिक ओशियन में पृथ्वी के किसी भी दूसरे ओशियन से कंपैरिजन में ज्यादा, यानी कि 25,000 आइलैंड्स मौजूद हैं। अब इस तरह के आइलैंड की क्रिएशन मोस्टली पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स के अंडर वाटर वॉल्केनो के फटने से हुई है। अब इन आइलैंड्स पर ह्यूमन सर्वाइवल काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि इनमें से कहीं पर तो आज तक कोई इंसान भी नहीं गया है। साथ ही इनके स्मॉल साइज के कारण वर्ल्ड मैप पर भी इनको देखना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए पैसिफिक ओशन को दूर से देखने पर आपको यहाँ पर जमीन का कोई भी टुकड़ा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पैसिफिक ओशन की वास्टनेस के सामने ही ये आइलैंड्स आटे में नमक के दाने की तरह है। इन शॉर्ट, पैसिफिक ओशन के खालीपन के पीछे पृथ्वी की जियोग्राफिक हिस्ट्री और पैसिफिक ओशन प्लेट के चारों ओर क्रिएट होने वाले सबडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन जोन्स है, जो लगातार इस लो डेंसिटी टेक्टोनिक प्लेट को वापस अर्थ के मेंटल लेयर में 0.5 स्क्वायर माइल्स पर ईयर के रेट से सिंक कर रही है। मतलब ये अंदर की ओर लगातार धकली जा रही है, और ये प्रोसेस पांजिया के टूटने के बाद से ही चला आ रहा है, और आगे भी इसी तरह तब तक चलता रहेगा जब तक ये पैसिफिक प्लेट पूरी तरह दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे सबमर्ज्ड ना हो जाए और वहां सभी कॉन्टिनेंट्स मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया प्रॉक्सिमा ना बना ले, जो देखो आज से ऑलमोस्ट 200 मिलियन साल बाद जाकर पूरा होगा। सो नाउ यू हैव द आंसर कि आखिर क्यों पैसिफिक ओशन इतना ज्यादा खाली है और क्यों इसमें कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद ही नहीं है। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।